तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल में अंडा आलू करी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान। यहाँ मैंने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं, साथ ही 5 से 6 उबले हुए आलू। सबसे पहले अंडे में आप कट लगा दें। अंडे में कट ज़रूर लगाएं, वरना जब हम अंडे को तेल में डालेंगे तो तेल के छींटे पड़ने लग जाते हैं। और आलू को भी बीच से काट लेंगे, मसाले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ 7 से 8 लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 20 काली मिर्च, 3 हरी मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं। इन सबको फाइन पीस लेना है। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल लिया है। तेल के गर्म होने पर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। ध्यान रहे, इनको डालते वक्त गैस का फ्लेम कम रहे, वरना मसाले जल सकते हैं। और अब अंडा और आलू डालकर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इस तरह से अंडे में थोड़ा हल्दी मिर्च और नमक डालकर भुनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, साथ ही कलर भी अच्छी आती है। इसी कढ़ाई में थोड़ा तेल और डालेंगे। यहाँ 2 तेज़पत्ता, थोड़ा जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ली है। इन सबको तेल में डाल दें और थोड़ा पकने दें, ताकि इन खड़े मसालों का स्वाद तेल में अच्छी तरह घुल जाए। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज प्याज को बारीक काट लिया है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब ये मसाला डालेंगे, साथ ही स्वाद के हिसाब से नमक भी डाल देंगे। अब मसाले को हमें तेल अलग होने तक भुनना है, तो इसे हम ढक ढक कर भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में मसालों को चेक भी करते रहें, वरना मसाले नीचे से चिपक सकते हैं। इसे करीब 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनें। मसाले भुन चुके हैं, मसालों से तेल अलग हो गया है, तो यहाँ मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी से मसालों का फ्लेवर और बढ़ जाता है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से पानी डालें। ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है, तो अब ये अंडा और आलू भी डाल देंगे, साथ ही 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से चला लें और ढककर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। बस अंडा और आलू कढ़ी हमारी तैयार है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे, तो बहुत ही टेस्टी अंडा आलू कढ़ी बनकर हमारी तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।